विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन राजनीति की बिसात पर नफा नुकसान का खेल अभी से शुरू हो चुका है। बीएसपी मुखिया मायावती ने सिलसिलेवार 3 ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ देश भर में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार अब सड़क के किनारे पकौड़े बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जीवन यापन के लिए मजदूरी तक को करने को मजबूर है। उनके माँ बाप और परिवार जो ये सब देख रहे हैं, उनकी व्यथा को समझा जा सकता है। ये सब कुछ दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा कि बीएसपी देश में नौजवानों के लिए ऐसी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बराबर की जिम्मेदार मानती है। कांग्रेस ने लंबे अरसे तक यहाँ एक छतराज किया, अपने कार्य कलापों की भुक्तभोगी बनाकर कांग्रेस केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश और काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई है। बीजेपी को चेतावनी देते हुए मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी भी अब कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर चलती है तो फिर इस पार्टी की भी वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस की हो चुकी है। बीएसपी मुखिया ने कहा कि बीजेपी को नौजवानों के रोजगार के लिए गंभीरता से सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि इनकी ऐसी नीति और कलापों से न तो जनकल्याण और न ही देश की आत्मनिर्भरता संभव हो पा रही है।